सफलता पर डेरो बधाई, ये मुकाम पाया है जो वक्त आपका दौर लाया है। सफलता पाने की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं बीएल चौधरी बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए अपने परिवार बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी एक बधाई की और सेलिब्रेशन की बात है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार जो बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन जो हमने कुछ ही समय पहले यानी कि 6-7 महीने पहले ही हमने इसको स्टेबल किया था, इसको गठित किया था, और इतने कम समय के अंदर मेरे साथ आप लोग जुड़े, अपने परिवार से जुड़े और आप लोगों ने सफलताएं पाई, आप लोगों ने अपना जो मेहनत किया, मेहनत आपकी रंग लाई, और मैं आप लोगों के समक्ष जितनी मेरी तरफ से हो सके मैंने आपको मोटिवेट करता रहा। और आपके कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम के अंदर आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने मुझे पूछा और मैंने 100% आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की, और यही सारा मिला जुला कर हम लोग सफल हुए। और कुछ भर्तियां जो अभी एग्जाम जिनके हुए और उनके रिजल्ट आए, उन भर्तियों के अंदर अपने परिवार से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट भाई बहन जिन्होंने ये पेपर दिए थे, चाहे वो हमारे जुड़ने से पहले पेपर दिए हों, चाहे जुड़ने के बाद में पेपर दिए हों अपनी परिवार से, लेकिन आज वो अपने परिवार का हिस्सा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार से जुड़े हुए स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो एग्जाम हुए हैं इनको फाइट किया है, क्लियर किया है, और आज वो अपने सफलता के एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते हुए अपनी जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं, अपनी मेहनत को आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट जो कुछ मेरे को कमेंट करके बताया, किसी ने मुझे मैसेज करके बताया, और कैसे मुझे पता चला इन सभी के बारे में, तो मैं सोचा कि आप लोगों के समक्ष इन सभी का मैं नाम लूं और बताऊं, ताकि आप भी मोटिवेट हो और इनसे कुछ सीख लें और आपका भी आगामी एग्जाम जिनके अंदर आप भी सिलेक्शन अपना पक्का करें। और कुछ व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत पुल की थी लेकिन उसके बाद में भी उनका 1 नंबर 2 नंबर से अगर वो पीछे रह गए तो वो अपना दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि जो आने वाली भर्ती है उसके अंदर हम 100% सफल होंगे, अपना सिलेक्शन होगा और हम एक सीट अपनी पक्की करके रहेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हमारे इस परिवार की तरफ से अभी जिन अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम फाइट किए हैं, हमारे 12 अभ्यर्थी हैं टोटल जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्टेज के एग्जाम हैं जो फाइट किए हैं और सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा पूनम बिश्नोई, जिन्होंने वीडियो का एग्जाम है वो क्लियर किया है प्री, अब मेंस की तैयारी करें आप। सुरेश कुमार, वीडियो का इन्होंने भी प्री पास किया है। उसके बाद में स्वरूप परिहार, जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर क्लियर किया है। उसके बाद सोनिका मीना, इन्होंने भी एसएससी जीडी का पेपर क्लियर किया है। उसके बाद पूनम बिश्नोई की सिस्टर, जिनका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन उन्होंने मुझे बताया मैं कमेंट करके कि सर उनकी सिस्टर का भी एसआई के अंदर पीटी पीएचटी उन्होंने फाइट कर लिया है और पेपर भी फाइट किया है। उसके बाद में जगदीश प्रसाद, इन्होंने एसएससी जीडी का फाइट किया है। राजेश शर्मा, एसएससी जीडी फाइट किया इन्होंने। हेमराज खांडेकर, इन्होंने वीडियो और एनटीपीसी दोनों के पेपर क्लियर किए हैं और दोनों के मेंस इनके बाकी है। उसके बाद में करण है, जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर पास किया है। फिर महेंद्र चौधरी, जिन्होंने एसआई और वीडियो दोनों का पेपर फाइट किया है। फिर कुलदीप सैनी, जिन्होंने एसएससी जीडी पास किया है, और नेहा गुर्जर, जिन्होंने पटवारी का पेपर पास किया है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक और अपने सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और बाकी जो अपने परिवार से जुड़े हुए स्टूडेंट, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, आपका टारगेट अपने फोकस अपना पेपर और अपना लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप लोग भी सिलेक्शन लें और आप अपना और अपना परिवार, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें और आप अपनी जिंदगी की बुलंदियों को छुए। लेकिन जो पीछे रह गए वो अपना दिल छोटा नहीं करें और जो कमी रह गई पिछली बार उसको सुधारते हुए आगे बढ़े और अगली भर्ती के अंदर अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो दोस्तों मैं यही इन्फॉर्मेशन और यही खुशखबरी आप लोगों के समक्ष देने के लिए आया था, जो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो इसी के साथ मैं आज के इस अपने एक खुशी भरे सेशन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।